So hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your English, and this is our part two for the chapter that is the address. तो guys, part one हमने कर लिया था, और part one जो है उसके अंदर हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो writer है वो एक बार Mrs. Darling के घर पे जा चुकी है. अब वो second time फिर से उस घर को visit करती है क्योंकि वो एक बार अपनी mother के उन सारे के सारे सामान को देखना चाहती है जो उसकी मदर ने मिसेस डॉलिंग को अपने पास रखने के लिए दिए थे. तो जब इस बार वो घर पे जाती है तो मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो मिसेस डॉलिंग है वो घर पे नहीं होती, और राइडर उनकी बेटी से मिलती है और उनकी बेटी बताती है कि उसकी मदर एक वर्क के लिए कहीं पे गई हुई हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ERRAND, एरेंड, इसका मतलब होता है कोई वर्क. ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो. आगे हम बात करते हैं. तो आगे लिखा है कि नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर. तो जो राइटर है वो बोलती है कि मैं उनका वेट करूंगी, नो मैटर. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है. आगे लिखा है आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज. अब पैसेज जो होता है वो एक छोटा सा, मैंने पहले भी बताया था, गेट के अंदर एंटर करने के बाद जो रास्ता होता है उसको पैसेज बोला गया है. ठीक है, एक गली काइंड ऑफ होती है घर के अंदर ही गेट को एंटर करने के बाद. ठीक है, तो एक जो राइटर है वो कहती है कि मैं फॉलो करती हूँ वो ओल्ड पैसेज जो है. तो वहाँ पे एक हनुका कैंडल होल्डर रखा होता है. अब हनुका क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे इसका मीनिंग मेंशन है. द फीस्ट ऑफ लाइट्स अ हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर. ठीक है, तो एक फेस्टिवल का नेम है ये, बेसिकली आप लिख सकते हो इसको, हनुका इज वॉट द नेम ऑफ अ फेस्टिवल. तो कैंडल होल्डर क्या होता है, मतलब इस फेस्टिवल पे कोई कैंडल जलाने का फेस्टिवल होगा ये, जिसमें कैंडल्स जलाई जाती हैं, तो एक कैंडल होल्डर होगा इस फेस्टिवल का. हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, जो मिरर के साइड में होता है. और जो राइटर है वो अपने बारे में बता रही है, अपनी मदर के बारे में बता रही है कि हम इसे कभी यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बर्सम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक. तो यहाँ पे देर इज अ वर्ड दैट इज कम्बर्सम. वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कम्बर्सम, विल यू प्लीज टेल मी. That is heavy, very good. Heavy to use or difficult to use. ठीक है, आगे लिखा है जो girl है वो writer से पूछती है कि won't you sit down, कि क्या तुम नहीं बैठोगी. Won't you sit down, ask the girl and she held open the door. वो door को खोल के रखती है living room के, और writer जो है वो अंदर जाती है. उसके बाद I stop, और थोड़ा सा horrified हो जाती है, मतलब ये उसका एक bad experience होता है इसीलिए लिखा है horrified. क्योंकि वो एक ऐसे रूम में थी, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, आई वॉज इन अ रूम आई नो एंड डिड नॉट नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क कर सकते हो. इस लाइन का मतलब ये है कि राइटर कहती है कि मैं एक ऐसे रूम में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. तो ऐसा वो क्यों कहती है, कोई बताएगा. बिल्कुल, वो एक ऐसे रूम में थी जिसको वो जानती थी क्योंकि वो सारा सामान उसकी मदर का था, उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, लेकिन वो नहीं इसलिए जानती थी, ऐसा उसने इसलिए बोला है, डिड नॉट नो इसलिए बोला है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सामान एक टेस्टलेस मैनर में वहाँ पे अरेंज था, इस तरीके से अरेंज था जैसा उसकी मदर ने कभी अरेंज नहीं किया था. तो दैट वॉज द अगली पार्ट. ठीक है, अब राइटर ये भी बोलती है कि आई फाउंड माई सेल्फ इन मिडस्ट ऑफ द थिंग्स. उसने अपने आप को एक ऐसे कमरे में घिरा हुआ देखा ऐसी चीज़ों से जिनको वो नहीं देखना चाहती थी. थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मतलब डिड नॉट नहीं लिखा हुआ, मतलब जिसको वो देखना चाहती थी, बट उन चीज़ों को देख के वो ऑप्रेस हो जाती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो जाती है, ऑप्रेस हो जाती है, थोड़ी परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए एक स्ट्रेंज एटमोसफेयर होता है. जैसा कि मैंने बताया, वो सारा सामान एक टेस्टलेस मैनर में वहाँ पर अरेंज था, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल. मगी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मगी. मगी का मतलब क्या है गाइस, ऑब्वियसली यहां पे बैड स्मेल की बात की गई है. मगी बैड को रेफर किया गया है, वैसे मगी का मतलब होता है अनप्लीजेंटली वार्म या ह्यूमिड. ठीक है, तो जो सामान होता है उसकी जो स्मेल होती है वो उसके लिए मगी होती है, थोड़ी सी बैड होती है, जो वहां सामान सारा का सारा टंगा हुआ है. आई डोंट नो बट आई स्केसली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी. ठीक है, मतलब जो राइटर है वो कह रही है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं सारी चीज़ों को देखूं नज़र उठा के. फिर इतने में वो लड़की एक चेयर उठाती है
और राइटर कहती है कि मैं बैठ जाती हूँ और स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लोथ, टेबल का जो क्लोथ है उसकी तरफ वो ध्यान देती है। आई रब्ड इट, वो थोड़ा रब करती है तो उसकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी वार्म हो जाती हैं उसे रब करने से। और आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और वो उस टेबल के जो पैटर्न है मतलब जो उस पर बना हुआ होगा जो भी डिज़ाइन उसको वो फॉलो करती है, और जो उसका कोना होता है वहाँ पे शायद कोई बर्न मार्क होता है जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया है। तो व्हाट डू यू थिंक, वो इतनी सारी चीज़ों को फील कैसे कर पा रही है? हाउ हाउ इज शी एबल टू फील ईच एंड एवरी थिंग देयर? व्हाट डू यू थिंक, बताइए। बिकॉज शी इज कनेक्टेड विद ऑल दोज थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स रिमाइंडेड हर ऑफ हर मदर। क्लियर? आगे क्या लिखा है? अब इतने में उसकी जो बेटी है मिसेस डॉरिस डॉलिंग की, सॉरी डॉरिस बोल रहा हूँ, डॉलिंग की, ठीक है, वो कहती है कि मेरी मदर जल्दी वापस आ जाएंगी, सेट द गर्ल एंड आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? तो उनकी बेटी क्या बोल रही है कि मैंने उनके लिए चाय बना ली है, कि क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी? तो राइटर देखती है उसकी तरफ, तो गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, टी टेबल पे वो कप तैयार करती है, और उस लड़की की भी ब्रॉड बैक होती है। तो ये ब्रॉड बैक क्या सिम्बलाइज करती है? उसकी मदर का जो यू नो फिगर है वो सिम्बलाइज करती है, क्योंकि जो मिसेस डॉलिंग है उनकी भी बैक ब्रॉड होती है जस्ट लाइक हर मदर। तो इतने में वो टी भरती है वाइट पॉट पे, और इट वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। लिड किसे कहते हैं? नो वन नोस। बिल्कुल, उसके ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर होता है वो बताती है यहाँ पे राइटर जो है। अब देखो ये जो छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, अगर तुम्हें याद रहेंगे तो तुम कभी एमसीक्यूज के अंदर मात नहीं खाओगे, अगर एमसीक्यूज काफ़ी डीप पूछ लिए गए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इतने में वो बॉक्स ओपन करती है और कुछ स्पून्स निकालती है, और राइटर क्या बोलती है? दैट्स अ नाइस बॉक्स, काफ़ी अच्छा बॉक्स है, आई हर्ड माई वॉइस, और उसे अपनी वॉइस थोड़ी स्ट्रेंज लग रही है, और उसे ऐसा लगता है जैसे मानो रूम में हर एक साउंड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा आ रहा है। अब इतने में जो यू नो उसकी बेटी है डॉलिंग की, वो बोलती है ओ यू नो अबाउट देम, तुम उनके बारे में जानती हो, एंड शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। इतने में वो आती है और हंसते हुए कहती है कि मेरी मदर कहती हैं कि ये एंटिक है, क्योंकि ये सारा सामान जो था वो एक एंटिक सामान में आता है, कटलरी के सामान में कुछ एंटिक सामान होते हैं जो कि यू नो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास बहुत सारे हैं, और वो रूम की तरफ इशारा करती है जहाँ पे वो दूसरे एंटिक्स रखे हुए होंगे। तो व्हाट यू थिंक, राइटर को वहाँ पे अच्छा फील हो रहा होता है या फिर बेकार फील हो रहा होता है? बताइए वाय, बेकार क्यों फील हो रहा होता है? टेस्टलेस मैनर में अरेंज थी, ये तो एक है ही रीज़न कि उसे बुरा महसूस हो रहा है, इसके अलावा कोई रीज़न था कि उसे और थोड़ा अजीब लग रहा है? और सानिया आप कुछ बोलना चाहते हो? एक पॉइंट आप मिस कर रहे हो दोनों, आपको ये चीज़ भी ऐड करनी है कि व्हेन शी सीज ऑल दोज थिंग्स सो शी इज रिमाइंडेड ऑफ अ मदर, शी रिमेंबर्स अ मदर एंड शी इज डीपली हर्ट व्हेन शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज नो मोर एंड समहाउ यू नो शी रियलाइजेज अबाउट द फैक्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या लिखा है? आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मेंट, क्योंकि राइटर को ये पता है, वो कहती है कि मेरे को ज़रूरत नहीं थी उस सामान की तरफ जब वो लड़की इशारा करती है, तो ये जानने की कि वो इशारा कर रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है वो उनको ऑलरेडी जानती है। अब वो देखती है, जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, वो सारी चीज़ों को देखती है जो स्टिल है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट क्या होता है गाइस? प्यूटर प्लेट इज अ प्यूटर इज बेसिकली अ ग्रे मेटल, ठीक है, जो कि दो से ज़्यादा मेटल्स जो हैं उनको मिला के बनता है, जो कि है टिन और लेड, ठीक है, जो कि कप्स और डिशेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो वो ये कहती है कि कई बार जब भी हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे वो रिमेम्बर करती है अपने बचपन को कि एज अ चाइल्ड मैं हमेशा सोचती थी कि जो प्यूटर प्लेट है उस पर एप्पल क्यों रखा रहता है। जैसे होता है ना कई बार ब्रेकफास्ट टेबल्स होती हैं वहाँ पे कुछ सामान जो है वो फिक्स रखा रहता है जस्ट शोकेस के लिए, तो वो उस चीज़ के बारे में बता रही है यहाँ। अब वो बोलती है वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। इस लाइन का कोई मतलब बताएगा? वी यूज इट फॉर एवरी थिंग शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वो कहती है ना वंस वी एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, तो वॉल पे जो टंगी हुई है प्लेट वो एंटिक्स है। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं कि हमने प्लेट्स खा ली, तो प्लेट्स खाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है प्लेट्स में खाना खाने की। कि जो राइटर है वो कह रही है कि जो ये एंटिक प्लेट्स हैं जो सिर्फ शोकेस के लिए हैं, हमने एक बार इसमें भी खाना खा रखा है, लेकिन मुझे यू नो आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं चाहती थी लेकिन मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा उसके अंदर, मुझे नॉर्मल ही लगा। तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात कर रही है यहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है? आई हैव फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लोथ, द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी। ठीक है, अब जैसे ही उसने ये बात उस लड़की को बोली कि भाई मैंने टेबल क्लोथ पे एक बर्न मार्क देखा है, तो जो लड़की है वो उसकी तरफ थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से देखती है। ठीक है, तो अजीब तरीके से क्यों देखती है? वाई बिकॉज शी वॉज टेलिंग कि मैंने वहाँ बर्न मार्क देखा है, तो वो तो इसलिए कह रही है क्योंकि वो केयर करती है सामान की, और लड़की को ऐसा लग रहा है कि वो मुझे एम्बेरस फील करा रही है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। येस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। तो इतने में वो लड़की कहती है कि हाँ, वहाँ पे है लेकिन मैं इतनी ज़्यादा यूज टू हो गई हूँ, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये चीज़ें होती हैं वो इतना यूज टू हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को नहीं देख पाता। एंड यू ओनली, आगे देखते हैं एक बार, यू ओनली नोटिस वेन समथिंग इज मिसिंग। कहने का मतलब उस लड़की का ये है कि भाई ये सामान इतना सारा है कि हम हार्डली सारी चीज़ों को देख पाते हैं और सारी चीज़ों की केयर कर पाते हैं, हमें ध्यान तभी आता है जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, एक बार फिर से मैं ये लाइन पढ़ता हूँ, वेट अ मिनट। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी गाइस, मैं फिर से इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन है ये उस लड़की ने नहीं बोली है, ये राइटर ने बोली है। अगेन बता देता हूँ, ये लाइन उस लड़की ने नहीं बोली है, ये राइटर ने बोली है। जब उस लड़की ने राइटर की तरफ देखा तो उसने जस्टिफाई करते हुए बोला कि हाँ, यहाँ पे गला, यहाँ पे ये जो टेबल क्लॉथ है ये यू नो जला हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी यूज्ड टू हो जाते हैं ना घर के, और इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो शायद हम नहीं देखते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसके पास चीज़ें नहीं होती वो ऐसी चीज़ों की केयर करता है और सोचता है इन चीज़ों के बारे में, जिसके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं सोचता। तो यहाँ पे एक तरीके का टॉन्ट राइटर मारती है, वो कहती है कि जब हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं इतनी लवली चीज़ों के, तो हम मुश्किल से ही देखते हैं इन सारी की सारी चीज़ों की तरफ। एंड यू ओनली नोटिस, हम तभी ध्यान देते हैं जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, क्योंकि उसे रिपेयर करना है और बिकॉज यू हैव लेंट इट। मतलब तीन रीजंस हैं कि हम चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक, वो जब कोई चीज़ मिसिंग है तब हम ध्यान देते हैं, या फिर जब हमें किसी चीज़ को रिपेयर करना होता है, या फिर हमने किसी चीज़ को जब किसी को उधार दिया होता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये राइटर ने क्यों दिया है, इसका रीज़न यही है, क्योंकि राइटर जब ये बात बोलती है कि मेरे को एक टेबल क्लॉथ पे बन मार्क मिला, और जो लड़की है वो अजीबो गरीब तरीके से उसको देखती है, तो उस बात को दबाने के लिए, कवर अप करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए वो इस तरीके की बातें बोलने लग जाती है कि इतनी सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे हम काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास काफ़ी टाइम से हैं तो शायद हम उन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं और उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम ध्यान सिर्फ तभी देते हैं जब कोई चीज़ मिसिंग होती है, या हमें उसे रिपेयर करना होता है, या फिर हमने किसी किसी को उसे उधार दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आई हर्ड द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। अब राइटर को ये साउंड बार बार महसूस होता है। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। तो अब वो याद करती है अपनी मदर के एक्सपीरियंस को कि एक बार उसकी मदर ने उससे पूछा था कि क्या तुम मेरी इन सिल्वर प्लेट्स को पॉलिश करने में मदद करोगी, और ये बहुत समय पहले की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, मैं थोड़ा बोर्ड थी दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर।
तो बता रही है कि उस दिन शायद मैं घर पे थी, इसलिए शायद उन्होंने मेरे से पूछा था, और मैंने उनसे पूछा आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, कि जो राइटर है वो पूछती है तुम कौन से सिल्वर की बात कर रही हो, तो वो क्या कहती है इट वॉज द स्पून्स, वो स्पून्स की बात कर रही है गाइज, प्लेट की बात नहीं हो रही, स्पून्स की बात हो रही है, प्लेट जो थी वो एंटेक्स में थे, फॉक्स नाइफ्स ये सारे सिल्वर के थे, एंड वॉट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कि ये सारी प्लेट सिल्वर थी, हमको पता ही नहीं था चांदी की थी ये, सिल्वर थी। इतने में वो गर्ल जो है वो थोड़ा सा हंसती है, आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, आई लुक इंटेंटली एट हर, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली जो चीज़ है ठीक है, ये उसका पूरा का पूरा यू नो थॉट प्रोसेस है जो वो सोच रही है इन सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है, लेकिन आगे जो राइटर है उसको वो लड़की हंसते हुए बता रही है थोड़ी देर बाद कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि ये सिल्वर की हैं, आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, क्योंकि वो एक एक करके सारे के सारे सामान को डिस्क्राइब कर रही होती है, तो राइटर को तो ये बात पता ही है ऑब्वियसली, पहले से ही उसे पता है, लेकिन ये जो लड़की है ये कह रही है कि आई बेट यू तुम्हें नहीं पता होगा कि ये सिल्वर की है, ठीक है। व्हाट वी ईट विद शी आस्क्ड, वेल डू यू नो शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉअर, आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, तो यहाँ पे वो लड़की रेफर कर रही है उस सारे के सारे सामान को जो सामान वहाँ पे रखा हुआ है, और राइटर को तो पता ही है वो सारा का सारा सामान कौन सा है, कौन से सिल्वर स्पून्स की कटलरी की वो बात कर रही है, ठीक है। तो अगेन मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो पहले हमें समझना पड़ेगा राइटर जो है वो यहाँ पे ध्यान करती है उस मोमेंट को जब उसकी मदर ने उन सामान के बारे में उसे बताया था कि वो सिल्वर का है, लेकिन बाद में वो लड़की जो है वो राइटर को ये बात बता रही है कि मुझे नहीं लगता शायद तुम्हें ये बात पता होगी, लेकिन ये वाला जो सामान है ये सारा का सारा सिल्वर का है, और वो बताने ही वाली थी, इतने में राइटर वहाँ से निकलने लग जाती है, और उस टाइम पे उस लड़की ने वो ड्रॉर खोला था जिसमें वो सिल्वर का स्पून फॉक और सारा का सारा सामान रखा हुआ था। क्लियर। इतने में जो राइटर है वो जंप करती है, जंप्ड अप, और वो कहती है कि मतलब उसे फील होता है कि वो टाइम को भूल ही गई थी और वो अपनी ट्रेन को पकड़ना चाहती है, इट मीन्स वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी, एंड शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वॉन्ट टू डू इट फॉर माई मदर, अब ये जो शी है ये कौन है यहाँ पे बताइए, बिल्कुल, तो वो अपना जो हैंड है वो ड्रॉअर पे रखे हुए, और वो किस चीज को रेफर कर रही होती है ड्रॉअर के अंदर बताएगा कोई, कौन सी कटलरी को, सिल्वर कटलरी, ठीक है। तो राइटर को जो वो लड़की है वो कहती है कि तुम वेट नहीं करना चाहती मेरी मदर का, और वो कहती है नो आई मस्ट गो, आई वॉक द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, इतने में जो लड़की है वो ड्रॉअर को, द गर्ल पुल द ड्रॉअर ओपन, वो छोड़ देती है और उसे शायद रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में राइटर कहती है आई कैन फाइंड माई ओन वे, और जब वो पैसेज से जा रही होती है आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो राइटर को फील होता है जिंगलिंग मतलब जो साउंड है स्पून्स का और फॉक्स का, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, वो फिर से नेम प्लेट को देखती है, और नेम प्लेट क्या होती है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है, इट हैड बीन नंबर 46, द एड्रेस करेक्ट था, बट नाउ मैं उसको याद नहीं करना चाहती, आई वुडेंट गो बैक देयर, मैं वापस नहीं जाऊँगी उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने जिसमें मेरी मेमोरी जो है वो यंग है, फैमिली और लाइफ की, फॉर्मर टाइम्स मतलब पहले के समय की, और इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सेवर्ड फ्रॉम देम, मतलब कि वो सारी की सारी जो मेमोरी है वो वैल्यू लूज कर देती है जब मैं उनको देखती हूँ, सारी चीज़ों को सिवो मतलब बेकार कंडीशन में, यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, जब मैं उन सारी चीज़ों को सराउंडिंग में देखती हूँ बहुत ही स्ट्रेंज, तो मेरी सारी मेमोरी जो है वो हर्ट होने लग जाती है, क्योंकि वो उसकी जो मेमोरीज थी बचपन की मदर के साथ वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, और इस सामान को वापस ऐसे सराउंडिंग में देखने से उसकी मेमोरीज जो है वो क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और वो ये भी सोचती है कि मेरे पास जो स्मॉल रेंटेड रूम है मैं उसमें इन सारी चीज़ों का क्या करूँगी, वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ पे जो श्रेड्स हैं, श्रेड्स का मतलब क्या होता है किसी को पता है, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड श्रेड्स, बिल्कुल पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको श्रेड्स कहते हैं, तो ब्लैकआउट पेपर के श्रेड्स हैं जो विंडोज पे टंगे होते हैं जहाँ पे, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, जो मेरी छोटी सी टेबल ड्रॉर है वहाँ पे कहाँ कटलरी जो है वो फिट होगा, आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड ऑफ द ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, वो कहती है कि यही मेरे लिए आसान है कि मैं सारी चीज़ों को भूल जाऊँ।
यहाँ तक समझ में आ गया गाइस चैप्टर को? तो गाइस ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर जो है वो सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।